हम सब के मम्मी पापा हमें एक चीज के लिए हमेशा कहते हैं एंड वो कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाओ। सुबह जल्दी उठने से सेहत अच्छी होती है, सुबह जल्दी उठने से आप पॉजिटिव फील करते हो एंड सो ऑन। तो मैंने सोचा चलो यार इनकी दिल की जो तमन्ना है ना इसको पूरा कर ही देते हैं एंड स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी सुबह 5 बजे। पूरे एक हफ्ते का मैंने चैलेंज लिया एंड देखो एक्चुअल में क्या हुआ। सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में जैसा कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने जो चैलेंज लिया था, क्योंकि मैं अपने आप को पिछले एक साल से मैंने आपसे जैसे शेयर भी किया था कि मैं अपने आप को सुधारने में लगी हुई हूँ और थोड़ी अच्छी आदतें अपने अंदर में बिल्ड कर रही हूँ जिससे कि ऑब्वियसली मेरे लिए ही अच्छा होगा। और फिर एक साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए। सो यस, ट्रैवलिंग तो अभी कर नहीं सकती हूँ, अदरवाइज इस चैनल में आपको मोस्टली ट्रैवल वीडियोस दिखाई देते हैं, बट अभी मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ तो कुछ अच्छी आदतें ही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने जो एक हफ्ते का चैलेंज लिया था, अगर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने काफी हर दिन मैंने वीडियोस भी डाले थे रील्स बना बना के। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी राइट देयर एज वेल। सो यस, ये तो हो गया प्रमोशन। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने जो एक हफ्ते का चैलेंज लिया था वो ये कि सुबह 5 बजे उठने का, तो वो कैसा रहा। पहली बात ये मुद्दा एक्चुअल में ये था कि चैलेंज लिया क्यों। तो अब कई लोग ऑब्वियसली नॉर्मली भी उठ जाते हैं 5 बजे, तो तुम्हें इसमें चैलेंज लेने की क्या जरूरत पड़ी हिमानी। तो चैलेंज इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं आज तक मैं ऐसी इंसान रही हूँ जो कि रात को कितना भी जगा लो जग लेगी। वो सुबह उठने के लिए ना मुझे मेरी लाइक नानी याद आती है और वो पता नहीं क्यों है ऐसा। मैं स्टडी के टाइम पे भी रात को पढ़ लेती थी, सुबह नहीं उठ पाती थी। एंड मुझे अगर सुबह उठाना है तो मेरे पास कोई ऐसा इंस्पिरेशन होनी चाहिए, लाइक वो भी ट्रैवलिंग की। मुझे कहीं घूमने जाना है तो आई विल वेक अप 4 बजे 3 बजे, जितने बजे भी उठा दो मुझे, रात को ना सुलाओ तब भी चलेगा। बट अगर ट्रैवल को छोड़ के और कोई दूसरा काम है जिसके लिए यू वांट मी टू वेक अप, मैं नहीं उठ सकती हूँ, मतलब नहीं उठ सकती हूँ। ओके, सो ये मेरा सिनेरियो था एंड फिर मैंने सोचा कि चलो अपने आप को सुधार रहे हैं तो इस आदत को भी थोड़ा सुधारना चाहिए। 2 लॉकडाउन में मैंने कई दिनों तक मैं सुबह 6 बजे तो उठ जाती थी बट 5 बजे का मेरी डिक्शनरी में था नहीं, क्योंकि मुझे लगता था 5 बजे इतना अंधेरा होता है, लाइक उठ के करना क्या है, एकदम आलसी आएगी, लगेगी पूरी दुनिया सो रही है और मैं क्या उठ के क्या कर रही हूँ, मतलब मैंने क्या ही करना है, करना ही क्या है। एंड क्या ही करना है ब्रिंग मी टू द सेकेंड पॉइंट विच इज मोटिवेशन। अब सुबह आप उठ तो जाओगे है ना, उठ तो जाते हैं सब, अगर आपको उठना है आपने चैलेंज लिया है तो आप उठ तो जाओगे, बट सुबह उठ के करना क्या है, मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है एंड आप सुबह उठ के बस अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हो या फिर मतलब ऐवें ही बस पड़े हुए हो बेड पे, तो फिर तो उठने का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। बट इफ़ You want to do something, like आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, रनिंग पे जाना है, या आपको कुछ अच्छा करना है खुद के लिए, like something like meditation या कुछ भी इस तरीके की अपनी फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है, तब तो आपके लिए है कि आपके पास कुछ मोटिवेशन है करने के लिए। अदर देन दैट सुबह उठ के आप टीवी तो नहीं देखोगे, तो मतलब ये सब तो आप कर नहीं सकते हो, सो मोटिवेशन चाहिए। बट मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मेरे कुछ दिन कैसे रहे वो आप थोड़ा देखो। मैं सुबह उठ के मतलब पहले दूसरे दिन में हुआ क्या, एक्चुअल में क्या करती थी। हेलो गाइस, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कि ये एक वीक का था चैलेंज, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको उठने का दिल नहीं करता है, यू फील लाइक कि आज वही दिन था मेरे साथ भी, आज है day 6 एंड पता नहीं क्यों somehow बेड से उठने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल रात को सोने में लेट हो गया था एंड देन आई वॉज लाइक कि अरे यार सुबह उठना है, मतलब ऐसे उठ नहीं पा रही थी मैं, बट फिर स्टिल मैंने सोचा कि नहीं उठ जाते हैं। एंड उठकर मैं अपनी बालकनी में चली गई और वहाँ पर मैं बैठ गई अपना योगा मैट बिछा के, सो दैट मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं 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 आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू वेक अप। एंड देन इस तरीके से करके अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, बिकॉज
कोई और तो करेगा नहीं आपको सुबह सुबह मोटिवेट। तो एक मन कह रहा था उठ जा, एक मन कह रहा था सो जा, तो फिर मैंने बोला नहीं, ये जो ना उठने वाला जो मन है ना, ये चोर है, इसको हटाते और इस अच्छे वाले मन को जिताते। तो फिर बस मैं उठ गई और थर्ड डे भी अच्छा रहा। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ये डेज में फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्या करना चाहिए ना कि आप जब उठो तो आप ना ब्रश व्रश करने के बाद नहा लो, क्योंकि नहाने से क्या होता है ना, नींद पूरी खत्म हो जाती है, चली जाती है, ऑब्वियसली चली जाएगी। और ठंडे पानी से नहा लो मस्त एकदम, तो उसके बाद आपकी नींद तो ऐसी छुमंतर हो जानी है। और फिर एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो आपको करना है, दोबारा फिर नहा लो, यार क्या फर्क पड़ता है। बट सुबह सुबह की जो नींद है ना, वो नींद उड़ जाएगी एकदम, एकदम उड़ जाएगी। और ये सच में किया कराया वाला मेरा एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। अब सुबह जल्दी उठना है तो आपको उसके लिए रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा। और ये जो साइकिल है वो डेफिनेटली चेंज होता ही है आपका, क्योंकि आप पहले 11 12 बजे सो रहे थे, अब आप सुबह 5 बजे जैसे उठने लगे तो मुझे तो रात को 9:30 बजे ही नींद आ जाती थी, नींद आने लग जाती थी। उसके बाद बेड पे जाके मतलब 10 बजे तक तो मतलब सो गए। सो वो अच्छी बात है आप रात को जल्दी सो रहे हो, बट रात को जल्दी सोने के लिए आपको डिनर भी जल्दी करना पड़ेगा। सो डिनर भी अराउंड 7:30 डिनर करने की तैयारी मतलब शुरू हो जाती थी मेरी। रात का जो डिनर होता है वो जल्दी करो। और वैसे भी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो आई लिंक कार्ट हियर, आप देखना ये वीडियो कि मैं हर मंडे फास्ट क्यों रखती हूँ, उसमें काफ़ी मैंने इस इंटरमिटेंट फास्टिंग और बॉडी में आपको क्यों ज़रूरत होती है थोड़ा आराम देने की बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी हील कर सके, आपकी बॉडी आपके खाने को पचा सके। तो इसके लिए भी रात को जल्दी खाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये तो हो गया सुबह उठने के क्या क्या चीजें चेंज होती है आपकी लाइफ में। और एक चीज जो इससे मैंने सीखी कि 7 दिन करने से मैं इस चीज में अपने आप को पूरा ढाल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को आपकी रूटीन में लाने के लिए आपको 21 डेज तो एटलीस्ट लगते हैं, क्योंकि 7 डेज के बाद मैंने जो दूसरा दिन मतलब अगला दिन था, 8वां दिन मैंने फिर नॉर्मली अपना मैं उठने लग गई और अब फिर से दिनचर्या वैसी हो गई है। तो आई एम थिंकिंग कि इसको अगर मुझे अपनी रूटीन बनाना है तो मुझे इसके लिए एटलीस्ट 21-30 डेज करना पड़ेगा। बट हाँ, ये जो एक वीक मैंने किया, इसमें मैंने क्या सीखा, तो आपको मैं अपनी लर्निंग्स बताती हूँ। अब लर्निंग्स ये मैंने सीखी इसमें कि आप अगर किसी चीज को सोच लो ना अपने दिल में एकदम रात को सोने से पहले कि यस मुझे ये करना है, कल सुबह उठ के आई एम गोइंग टू वेक अप एट 5 AM, तो आप डेफिनेटली अलार्म बजेगा तो बजेगा, बट आपकी नींद उसके पहले भी खुल सकती है। क्योंकि मेरे साथ 3-4 दिन ऐसा हुआ कि अलार्म बजने से पहले मेरी नींद खुल गई। दूसरा ये कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। आप सुबह उठने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया क्या रूटीन रहता था, तो उसके बाद फिर थोड़ी जर्नलिंग कर ली, टू डू लिस्ट बना लिया कि आज क्या 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 काम करना है। और जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो फिर आपका दिन जो है ना बड़ा स्मूथ होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या 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 काम करने वाले हो और वो बड़ा ईजिली स्मूथली चलता है। देन आपका जो डाइट है मैंने बताया वो तो अच्छा हो ही जाता है, आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हो, देन लंच टाइम पे, देन डिनर टाइम पे, तो वो वाली चीज़ भी बड़ी आपकी अच्छी हो जाती है। आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो सुधर जाता है, आप रात को ज़्यादा देर तक उल्लू की तरह अपना फ़ोन नहीं चेक कर रहे होते हो। और क्या सीखा हाँ, मम्मी पापा तो ऑब्वियसली खुश हुए ना, उनको बताया कि सुबह उठ रहे हैं, तो पहले तो विश्वास नहीं किया उन्होंने कि सुबह सुबह उठ जाती है, क्या रीज़न है, रीज़न ही ढूंढ रहे थे वो। तो फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया कि नहीं नहीं अच्छा ऐसा ही बात है, अपने हेल्थ के लिए ध्यान दे रही है इसलिए सुबह उठ रही है, अच्छी बात है, चलो खुश हो गए वो भी। सो बहुत सारी चीज़ें, और सुबह सुबह सबसे अच्छी चीज़, हाँ ये तो मैं बताने ही भूल गई, जब आप 5 बजे उठते हो ना तब पूरा अंधेरा होता है, ठीक है, फिर जब आप अपनी आंखों के सामने ऐसा सनराइज होता हुआ देखते हो, आप ऐसे दुनिया को जागता हुआ देखते हो, इट इज लाइक अनदर लेवल फीलिंग, आई कांट इवन एक्सप्रेस हियर इन वर्ड्स ना, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप जब उठोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता तक एक करो, एंड उसके बाद ना आपको ऐसा फीलिंग होगा कि वाओ मतलब ये चीज़ कितनी अच्छी है, मैं इसे मिस करती हूँ, मतलब डेली मैं इसे मिस करता हूँ या मिस करती हूँ, क्योंकि हमारे सामने ये नेचर है और जिसको हम बस ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट जब आप इसे ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। सो या दीज वर द थिंग्स विच आई लर्नड, और मेरे साथ हुआ ये, मैं 5 बजे उठी जब सुबह सुबह 1 हफ्ता। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज एल्गोरिदम में बड़ा हेल्प करता है। एंड विद दैट नोट विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।
एंड टडा बाय बाय.